गंगा अवतरण, कि ये जो इनका रत्नाकर जी का एक खंड काव्य है गंगा अवतरण, उसमें से ये छंद लिए गए। तो हमारा पहला छंद शुरू होता है, देखिए, निकस कमंडल तें उमंड नभ मंडल खंडते धाई धर अपर को बेग सो वायु विहडंते भय घोर अति शब्द धमक सो त्रभुवंतर जे महामेघ मेले मन एक संगे सब गरजे। ये पहला हो गया। और दूसरा देखिए, निज दरेर सो पौन पटल फारत फैरावत सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घेरावत चली धार धुधकारी धर धस कटत धकावा सगर सो तन के पाप ताप पर बोलत धावा। कितना अच्छा वर्णन है, इसको समझिए। इसमें उन्होंने बताया है कि निकस कमंडल ते उमंड नभ मंडल खंडते, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके बेहंडत कहते हैं, खंडित करती हुई यानी नष्ट करती हुई, और निकस कमंडल ते उमंड नभ मंडल खंडते यानी ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकल करके उस गंगा की धारा बड़े उल्लास और उद्योग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई, नव मंडल खंडत खंडत कहते हैं चीरती हुई, आगे बढ़ती हुई, और धाई धर अपार बेग सो वायु बिखंडते, इन्होंने बताया वायु को बिखंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ दौड़ती हुई चली आ रही है। देखिए कितना अच्छा वर्णन है, धाई धार पार बेग सो बाय बेहडंत भय घोर अति शब्द धमको सो त्रभुवंतर जे महामेघ मेले मन एक संग ही सब गरजे। इतना अच्छा है, बेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ, भय घोर अति शब्द धमक तो त्रिभुवन तरजे, यानी गंगा के आगे बढ़ने से एक बहुत ही भयंकर शब्द हुआ, और क्या उसकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। क्या हुआ, तो सो धमक सो त्रिभुवन तरजे, तरजे भयभीत होने के लिए तीनों लोग भयभीत हो गए। महामेघ मेले मनो एक संग है सब गरजे, ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि गंगा के उतरने का वेग इतना प्रचंड था कि मानो प्रलय काल के बादल मिलकर के एक साथ गरज रहे हों, यानी महामेघ मिल मनो एक संग है सब गरजे, इतना उसका वेग, गंगा का वेग इतना तेज था कि ऐसा प्रतीत होता था कि मानो प्रलय काल लेकर के बादल मिलकर एक साथ गरज रहे हैं। अब देखिए दूसरा है, निज दरेर सो पौन पटल फरते फैरावते सुरपुर के अति सघन घोर घन घास गहरावते। वो कहते हैं गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई तथा स्वर्ग लोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई। कितना अच्छा वर्णन है, निज दरेर सो पौन पटल फैरते फैरावते सुरपुर के अति सघन घोर घन घस गहरावते। इसे उन्होंने बताया है के गहरावत कहते हैं घनघोर शब्द करती हुई काटत किनकावा यानी चक्कर खाती हुई। तो कितना अच्छा वर्णन है कि गंगा की धारा अपनी रगड़ से यानी अपने रगड़ के द्वारा पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई स्वर्ग लोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई और क्या सुरपुर के अति सघन घोन घरों घस गहरावत चली धार घोग करी धीस धन काटते कावा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलते धावा। कितना अच्छा वर्णन है, देखिए इन्होंने बताया कि कोलाहल करती हुई पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई है ना, ये बता चली धार धुधकारी धारादि से काटते कावा यानी पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई और राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ी। सागर सुतन के पाप ताप पर बोलते धावा, यानी राजा सगर, आपको मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि महाराजा सगर की 60,000 जो पुत्र थे वो किस तरीके से गंगा की बिना यानी उनकी जो अस्थियां थीं या कहना चाहिए तो उसको शुद्ध करने के लिए किस प्रकार से गंगा का अवतरण हो रहा है और कैसे वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग से आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं गंगा। अब देखिए बेटा तीसरा पैराग्राफ है आपका, तीसरा छंद में बता रहा हूँ। स्वाति घटा गहराते मुक्ति पाना पे सो पूरी कहो आबते झुकते शुभ्र आभा रुच रुच
मीन मकर जल बैलाबन की चल अचित के सुहाई सो जन चपला चम चमात चंचल छवि छाई। और चौथा है आपका रुचित रजत में कि बितान तानियों अति बिस्तर झर ते बूंद सो झिलमिलाते मोतिन को झालर पाके नीचे राग रंग के ढंग जमाए सोर बने तन के ब्रंद करत आनंद बधाए। बहुत अच्छा वर्णन है ये। तीसरा मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ, तीसरा समझ लीजिए। स्वाति घटा गए रात मुक्ति पान बसों पूरी। ये बताते हैं स्वाति घटा, इसमें उन्होंने बताया है कि आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा। बहुत अच्छा वर्णन है कि स्वाति घटा गए रात। ये बताते हैं कि आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था, कैसा होता था, मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घुमड़ रहा हो। बहुत अच्छा है। स्वाति घटा गए रात मुक्ति पाने पर सुपूरी कहनो आबत झुका तो शुभ्र आभा रुचि करी। इसमें कितना अच्छा वर्णन किया है, श्वेत धारा को देख करके कैसा प्रतीत होता था, मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह उमड़ रहा हो, अथवा ऐसे कह दीजिए सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो, उस गंगा की छवि। मीन मकर जल ब्यान की जल व्यावलान की चल चितक सुहाई। इन्होंने उसे बताया, देखिए जल व्यावलान, जल व्यावलान कहते हैं पानी के सीपों की चिलक। जल व्यावलान मीन, ये बताने गंगा के निर्मल जल में, मीन कहते हैं मछलियों के लिए, जल व्यावलान की चल चितक सुहाई। जल व्यावलान सीप हैं, मगरमच्छ हैं, जल के सर्प हैं। तो ये चीज़ बता रहे हैं कि गंगा के निर्मल जल में मछलियों मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसी शोभा पा रही थी, कैसी, सो जानो चपला चमचमाते चंचल छवि छाई, मानो के चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। ये आपका तीसरा हो गया। अब बेटा चौथा देखिए, चौथा मैंने अभी बताया था कि रुचिर रजतमय के बितान तानियों अति बिस्तर। इसमें बहुत अच्छा वर्णन है ये। इसमें उन्होंने बताया रुचित रजमय आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा। रुचिर रजतमय के बितान तानियों अति बिस्तर बता रहे हैं, आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती गंगा की पवित्र धारा ऐसी सुंदर लगती है, ऐसी मरोर लगती है, जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू तान दिया हो। क्या तान दिया हो, तंबू तान दिया हो। झरते बूंद सो झिलमिलाते मोतिन की झालर। और कैसा लग रहा है, उस धारा से झरती हुई जल की बूंदें ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे उस तंबू में से लटकी मोतियों की झालर यानी मालाएँ झिलमिला रही हों। कितना अच्छा वर्णन, झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही है। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए सुर बन तने के बृंद करत आनंद बधाए। वो कहते हैं ताके नीचे यानी लगता है उस तंबू के नीचे राग रंग के ढंग जमाए, उस तंबू के नीचे देवताओं को स्त्रियों के समूह ने आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी साजो सामान जमाए हुए हैं। वो उन्होंने बता रहे हैं कि देवताओं के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो स्त्रियों ने उसके आनंद मनाने के लिए सभी राग रंग के साधन यानी साजो सामान उपलब्ध करा दिए हों। है ना, सुर बनत, सुर कहते हैं देवताओं के लिए, वृंद करत आनंद बधाए। अब बेटा आपका आता है पांचवा छंद। पांचवा छंद देखिए बहुत अच्छा है ये। इसमें उन्होंने बताया है कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे हर हरात लहरात सहस जो जन चल आवे मन विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत पुण्य खेत उत्पन्न हीर की रस उसाबत। बहुत अच्छा है ये देखिए। इसमें उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे। इन्होंने बताया है ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ यानी बहुत वेग के साथ बहुत तेजी के साथ निकलती गंगा की ओज पूर्ण जो वर्णन किया गया है उसमें कवि ने बताया है, क्या बताया है कवि ने, रत्नाकर जी ने, वो कहते हैं
कि गंगा जी की सुंदर धारा कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धाबे। क्या कहते हैं? गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी और हर हर शब्द की ध्वनि कैसे बेग नीचे को ध्यावे, हर हरात लहरात सद जो जन चले आवे। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि करती हुई हजार योजन तक लहराती हुई चली गई। कहते हैं कभी वो नीचे को पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई आ रही है और हर हर शब्द करती हुई, हर हर शब्द की ध्वनि उसकी कैसी हो रही है? अपार, यानी हजार योजन तक लहराती हुई चली जाती है। मन विद चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की रास उसावत। इसमें कितना सुंदर वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा है कि मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान, यानी यहाँ ब्रह्मा का जो उपमा की है वो किसान से की है उन्होंने, रत्नाकर जी ने। तो वो बता रहे हैं कि मानो ब्रह्म रूपी, यानी ब्रह्मा रूपी चतुर किसान, ब्रह्म और ब्रह्म बेटा बहुत अंतर होता है, ब्रह्म वो लगता या ब्रह्मा जी का है। मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु पाकर अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। पुण्य खेत उत्पन्न हीरे की रास उसावत, रास कहते हैं वही नहीं होता है जैसे खेत में कहते नहीं भैया आज के हमारी राशि उठ रही है, वही चीज़ है यहाँ पर कि फसल को हवा में उड़ाकर उसाते हैं हम फसल के लिए, वही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो, अलग अलग करता हो। बहुत अच्छा वर्णन है इसमें। अब बेटा आपका अगला आता है, छठवां है आपका, ये भी बहुत अच्छा वर्णन किया है इसमें। एह बिद धावत धसत धरत धरकत सुख देनी, मनहु समारत शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल बेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, हर हरात हर सात शंभु सन्मुख जब आई। वही वाह, कितना अच्छा वर्णन है। देगी इसमें उन्होंने बताया है एह बिद धावत धसत धरत धरकत सुख देनी, सुख देने वाली इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर दौड़ लगाती हुई, धंसती हुई, ढलती, ढुलकती और मानव को सुख प्रदान करने वाली गंगा ऐसी प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत हो रही है? मनो समारत शुभ सुरपुर की सुगम निसैनी, ऐसा मालूम होता है जैसे पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। जैसे ऊपर से आती है तो बीच में जो सीढ़ियाँ, यानी सुंदर चमक उसकी, जो पानी की चमक है उससे, ऐसा कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि इसमें रत्नाकर जी ने बहुत अच्छा वर्णन करते हुए कहा है, क्या कहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आकाश से पृथ्वी की वो दौड़ लगाती, धंसती, ढलती, ढुलकती और मानव को सुख प्रदान करने वाली गंगा की ऐसी प्रतीत होती है मानव पृथ्वी से पवित्र स्वर्ग तक जाने के लिए सुगम सीढ़ी का निर्माण कर रही हो। कितना अच्छा वर्णन है ना। मनो समारत शुभ सुरपुर की सुगम निसैनी, कहते हैं नसैनी, चढ़ने वाली सीढ़ी, सुरपुर यानी स्वर्ग, सीधे सीधे सुर माने देवता, पुर माने यहाँ पर इसका जो देवताओं का जो स्थान होता है वो सुरपुर। विपुल बेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, हर हरात हर सत सम्मुख सुनमुख जब आई। तो उन्होंने बताया है उसकी धारा, किसकी धारा? गंगा की। गंगा की धारा में अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम तथा खोज, ऐसी उसकी जो पराक्रम की ओज है ऐसी प्रतीत हो रही है, उमंग से भरी हुई है जैसे कि वह सभी में इन गुणों को उमगाती हुई, हर हर की ध्वनि करती, अत्यधिक हर्ष के साथ भगवान शिव के समक्ष अवतरित हुई है। हर हरात समसन्मुख जब आई, भगवान शिव के समक्ष अवतरित हुई कौन? गंगा। अब अगला ये आपका बेटा आता है, ये सातवां है। सातवें में देखिए, भई थकित छवि चकित हेर हर रूप मनोहर, वे आने के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कूप को लोप चूप औरे उबगाई, चित चिकनाई चड़ी कड़ी सब रोस रुखाई। कितना अच्छा वर्णन है। देखिए इसमें उन्होंने बताया है,
भय थकित छब चकित हेर हर रूप मनोहर, शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर गंगा मैया धन्य हो गई, गंगा धन्य हो गई। भय थकित छब चकित हेर हर रूप मनोहर, जो थकी हुई थी वो जैसे ही उन्होंने भगवान शिव के रूप को देखा वो धन्य हो गई। और होए अनय के प्राण रहे तन धर धरें धरोहर, और गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भगवान शिव के समीप ही विश्राम करे, क्या करे, विश्राम करे, तथा वह उनके रूप की आभा को निहारती हुई स्थिर हो गई, जैसे उसने देखा और उनके रूप को देख करके वो कैसी हो गई, स्थिर हो गई। भई थकित तब चकित हेर हर रूप मनोहर, वह अने के प्राण रहे तन धरे धरोहर, और उसके शरीर में स्थित प्राण अब पराय हो गए, अर्थात वे अब शिव की धरोहर ही रह हो करके रह गए। यानी गंगा इतनी भावभेल हो गई कि उसके प्राण भी ऐसे हो गए जैसे कि भगवान शिव के हाथ में चले गए हों। प्राण रहे धन तन धरे धरोहर, जैसे किसी के हाथ में धरोहर दे देते हैं तो उसी तरीके से वो धरोहर रूपी प्राण गंगा के भगवान शिव के हाथों में समाये हुए प्रतीत हो रहे हैं। भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, तो वो कहते हैं गंगा का संपूर्ण क्रोध, भयो कोप को लोप, यानी लोप कहते हैं समाप्त होना, कोप माने क्रोध, गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया। और भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो उठी थी, कोई और ही अलग ही कोई भावना जागृत हो उठी थी। और कैसी भावना थी वो, चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई, उसकी सारी नाराजगी और रूखापन हृदय से दूर हो गया था, तथा अब गंगा के मन में रुचता के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता जागृत हो गई थी। उसके मन में क्रोध के स्थान पर क्या हो जागृत हो गया था, प्रेम जागृत हो गया था। तब तो कितने भयंकर शब्द करती हुई निकल रही थी, कैसे कैसे जा रही थी, मालूम पड़ता था ये पूरा इस ये पृथ्वी लोक को पलट देंगे। लेकिन धीरे 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 जैसी वो शिव के पास पहुंची, तैसे कितनी उनकी ये स्थिति बदल गई। अब बेटा आपका आता है आठवां, देखिए ये भी अच्छा है, इसमें उन्होंने बताया है, कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम करके मनमानी, सकुचात एचत अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी। बहुत अच्छा वर्णन है इसमें, देखें कृपा निधान, इसमें रत्नाकर जी ने कहा है कि दया के भंडार, कृपा निधान, कृपा को बरसाने वाले कृपा निधान दया के भंडार भगवान शिव ने गंगा के हृदय में निहित भाव को पहचान लिया। कृपा निधान सुजान संभ ही को गति जानी, है ना, हृदय उन गंगा के हृदय की गति को उन्होंने जान लिया कृपा निधान ने, दियो शीश पर ठाम बाम करके मन माने, तथा उसे अपनी प्रीतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर स्थान दे दिया। कहाँ पर शरीर पर कहाँ स्थान दिया था उन्होंने, अपने शीश पर, और क्या, दियो शीश पर ठाम, ठाम कहते हैं स्थान के लिए, बाम करके मन मानी, बाम कर के मन मानी, बाम कहते हैं स्त्री के लिए, प्रेमिका के लिए, तो वो इन्होंने इसमें बताया है कि उन्होंने अपनी प्रीतमा के रूप में स्वीकार करते हुए शरीर पर स्थान दिया, किसको, गंगा के लिए। अब क्या हुआ, सकुचात एचत अंग गंग सुख संग लजानी, और जटा जूट हिमकूट सगन बन सिमिट समानी। कितना अच्छा वर्णन है, देखिए जैसे ही गंगा को प्रीतमा का रूप स्वीकार करती उन्होंने अपने शरीर पर स्थान दिया गंगा जी के लिए, वैसे ही क्या हुआ, ऐसी स्थिति में गंगा संकोच वश अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सी सुखपूर्वक प्रवाहित होने लगी, यानी बहुत ही सिकुड़ गई। सकुचात एचत अंग गंग सुख संग लजानी, यानी बहुत ही सिकुड़ती हुई सुखपूर्वक प्रभावित होने लगी, तथा सिमटकर सघन हिमालय की ओर चोटी के समान, कैसे, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी, और चोटी हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। गंगा किस में विलीन हो गई, सघन बन सिमिट समाने, समाने कहते हैं उसमें समाने के लिए, और जटा जूट हिम इन हिमालय पर्वत, वो कहते हैं हिमालय पर्वत की चोटी के समान
शिव जी की घनी जटाओं में गंगा मैया वहीं पर समा गई, वहीं पर विलीन हो गई। तो बेटा ये आप लोग समझ गए होंगे, ये मैंने जो आपको समझाया था, और इसमें जो है आप लोग देख लेना और इसको बेटा एक बार और दोहरा लेना। इसमें अगर और कोई वो हो आपको परेशानी तो मुझसे पूछ लेना।